हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। हमने देखा था कि कैसे किसी न्यूरॉन से जो सिग्नल होता है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि अगर कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो कैसे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, और एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिन की शीथ नहीं प्रेजेंट है, तो कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो हमने देखा था उसमें तो हमने सिर्फ ये बात करी थी कि कैसे डेंड्राइट जो है वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। उसको रिसीव करने के लिए वो थ्रू द एग्जॉन से होता हुआ वो एग्जॉन टर्मिनल तक कैसे सिग्नल जा रहा है। अब आप सोचो कि हमने सिग्नल को एग्जॉन टर्मिनल तक तो पहुँचा दिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें उसी सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना है। अब सिग्नल को क्या करना है? न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है। तो अब क्या होगा, इस ट्रांसमिशन को हम कहेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक, इसके बाद से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में कुछ तो जगह होगा, उस जगह को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं या सिनेप्सिस कहते हैं, और ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, उसी में हो रहा है, इसलिए हम इसको सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या क्या है। देखिए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक हमने इसके पहले क्या कहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो इम्पोल्स है वो ट्रांसफर हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इम्पोल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा। अब इलेक्ट्रिकल नहीं, केमिकल। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे अगर हम बात कर ले तो अभी तक क्या हो रहा था कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में यहाँ पे सिग्नल्स को इस डेंड्राइट से रिसीव किया जा रहा था, रिसीव करने के बाद एग्जॉन में भेजा जा रहा था। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा था, और ये ट्रेवल होते होते यहाँ हमारे एग्जोनल एंड में आ गया। और हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, नॉब, वेसाइकल नॉब प्रेजेंट होता है। लास्ट का अगर हम डायग्राम जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, और इस नॉब में से वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस वेसाइकल्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। इस वेसाइकल के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि कितने टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो अब बात आ रही है कि सिग्नल यहाँ तक तो आ गया, अब इसको क्या करना है, इस यहाँ से निकल करके जो यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है वहाँ पे जाना है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा ये दो तरीके से होंगे, क्योंकि जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो जुड़ रहा है वो भी दो तरीके से जुड़ रहा है। जब जुड़ दो तरीके से रहा है तो ट्रांसफर भी कैसे होगा, दो तरीके से होगा। एक का तो क्या सिस्टम है कि एक न्यूरॉन यहाँ है अगर तो दूसरा यहाँ है, ठीक है, ये डायरेक्ट हमें गैप देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट गैप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये ऐसे डायरेक्ट गैप नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कुछ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से वो कनेक्टेड रहते हैं। ये तो है कि एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो ऐसे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो अलग तरीके से होगा, और जो दूसरा जिसमें प्रॉपर गैप प्रेजेंट है उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो अलग तरीके से होगा। तो अभी अगर हम पहला ऐसे नॉर्मल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो क्या है कि एक केमिकल इवेंट होता है जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। कैसे ट्रांसमिट करता है, रिलीज करता है
या तो वो सिग्नल को रिलीज करके ट्रांसफर करेगा या डिफ्यूजन की मेथड से ट्रांसफर, या रिसेप्टर बाइंडिंग। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब एक न्यूरॉन है, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट रहेगा, ये न्यूरॉन यहाँ खत्म हो रहा है तो एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन अगर प्रेजेंट है, ये किसी सिग्नल को रिलीज कर रहा है, तो इस न्यूरॉन को पता होना चाहिए, इस न्यूरॉन को उसको कैच करने आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं तो सामने जो बंदा है उसको कैच करने आना चाहिए। तो उसी तरीके से क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन से जो सिग्नल्स रिलीज हो रही हैं उसके लिए कुछ रिसेप्टर दूसरे न्यूरॉन पर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स उनको पहचान करके रिसीव कर लेते हैं। तो क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज अ केमिकल इवेंट, एक केमिकल इवेंट है विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर रहा है। कैसे कैसे कर सकता है, नॉर्मल रिलीज करके करेगा, डिफ्यूजन हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स, एंड यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। और क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन न्यूरॉन्स के बीच में हो सकता है। ये सारी क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी है, जिस तरीके से एक न्यूरॉन मतलब एक सिग्नल्स का, एक इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक, अब देखिए, यही मैं दिखा रही थी। अब एक बात और समझने वाली है, वो ये समझने वाली बात है कि हमने कहा कि एक न्यूरॉन होगा, फिर यहां दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ये हो गया न्यूरॉन वन और ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन सेकेंड। ठीक, एक न्यूरॉन है, ये देखिए ये एक न्यूरॉन है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है। अब बात क्या आती है कि जो न्यूरॉन सिग्नल को भेज रहा है, जो सिग्नल को भेज रहा है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब जो पहले है प्री, जो पहले है जो सिग्नल को भेज रहा है वो हो जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब इनके बीच में आप देखो कि ये एक गैप जंक्शन बन जा रहा है। क्या हो रहा है, एक गैप जंक्शन बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक जगह बन गई, इससे क्या होता है इम्पोल्स जो होगा वो आपका ट्रेवल कर सकता है। ये एक गैप जंक्शन बन गया, ये देखिए ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। अब इस प्री और पोस्ट के बीच में एक गैप जंक्शन प्रेजेंट है। ये गैप जंक्शन को जब हम जूम करके देख रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जानते ही हैं, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे एक गैप बन जा रहा है, एक जंक्शन बन जा रहा है, उसकी वजह से ये क्या है, गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन जो बनता है ये एक स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिसको हम कहते हैं कनेक्सॉन प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, कनेक्सॉन प्रोटीन। इस कनेक्सॉन प्रोटीन से ये जो बनता है ये बनता है। अब मैंने कहा कि दो टाइप से होगा, एक क्या रहेगा जिसमें ऐसे किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए इस जंक्शन से जुड़ाव हो गया, इस जंक्शन से जुड़ाव हुआ तो ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल का, और एक क्या होगा कि वो यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा जिसमें कोई गैप जंक्शन, कोई जंक्शन प्रेजेंट है डायरेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। और केमिकल कौन सा होगा, केमिकल सिग्नल ट्रांसफर या केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वो कहलाएगा जिसमें प्रॉपर गैप प्रेजेंट होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में प्रॉपर जगह खाली होगी, ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी जुड़ाव का रास्ता नहीं होगा। ठीक, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ साइनेप्सिस न्यूरॉन्स कम क्लोज विदाउट एनी गैप। इनके बीच में हमने पहले ही कहा ना कि कोई गैप नहीं आएगा, और जो आप देखोगे तो उसमें क्या रहेगा कि गैप रहेगा, इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है। गैप क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कनेक्सॉन प्रोटीन जो है वो एक ब्रिज बना दे रहा है, एक रास्ता बना दे रहा है, इसमें ये बिना गैप के पास में आते हैं। द गैप बिटवीन देम आर फिल्ड विथ
स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कनेक्सॉन्स। ये जो गैप होता है, गैप क्यों नहीं हो रहा है भाई? दो अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, दो अलग अलग न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दो लोग आ रहे तो बीच में कोई तो गैप होना चाहिए। लेकिन उस गैप को ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कनेक्सॉन है वो कनेक्सॉन फिल कर दे रहा है, वो एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर दे रहा है इसकी वजह से। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ साइनेप्सिस सिनेप्टिक वेसिकल्स आर एब्सेंट। अब क्या हो रहा है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स का काम क्या है? हमने पहले ही बताया कि सिनेप्टिक वेसाइकल का काम ये है कि उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होंगे। जब गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वो सिनेप्टिक वेसाइकल जो है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा वो उस सिग्नल को पकड़ेगा और फिर वो क्या करेगा, जा करके उस न्यूरोट्रांसमीटर को गैप में रिलीज़ कर देगा। तो गैप में जैसे ही रिलीज़ करेगा तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा उस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो उसको गैप में रिलीज करना ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इसके पास खुद ही एक ब्रिज प्रेजेंट है, तो उस ब्रिज की वजह से क्या हो रहा है कि इसको वेसाइकल वाली जो घटना हो रही है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वेसाइकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा उसकी यहाँ पे इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इसको यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो ये यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। The local circuit current of presynaptic terminal leads to the electrical junction and can directly stimulate the postsynaptic. ये मैंने बोला ना कि दो टाइप से होंगे क्योंकि दो टाइप्स के प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो है जिसमें आपको एक गैप नहीं दिख रहा है, जिसमें आपको एक जंक्शन बना हुआ दिख जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन बना हुआ। हमने क्या देखा था कि जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़े थे तो एक्शन पोटेंशियल में क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे थे। अब यहाँ पे उनको गैप मिल, मतलब जंक्शन मिल जा रहा है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं केमिकल में, ज़रूरत नहीं पड़ रही केमिकल में। क्योंकि अगर वो केमिकल में जब एक बार कन्वर्ट होते हैं फिर जो डेंड्राइट उसको रिसीव करता है तो फिर से वो उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो इतना ज़्यादा काम करे क्यों, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनके बीच में तो आपको पता है कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में तो एक ब्रिज प्रेजेंट है ही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, अगर ये ब्रिज नहीं होता तो ये क्या होता है, केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर इसको लेता और दूसरे को देता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ब्रिज है इसकी वजह से इसको केमिकल में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जा सकता है। ठीक, डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफर हो सकता है। दिस वे द पोस्टसिनैप्टिक मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेट। और जैसे ही ये सिग्नल, हमको पता है इसके पहले हमने एक्शन पोटेंशियल में यही चीजें पढ़ी थी कि जैसे ही कोई सिग्नल आता है, कोई सिग्नल रिसीव करता है, वो क्या होता है, जो एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन हिलॉक वाला पोजीशन होता है, वो डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ मतलब उसका मतलब यही हो गया कि उसने सिग्नल को रिसीव कर लिया। और जैसे ही उसने सिग्नल को रिसीव किया तो हमको वो सारी चीज़ें याद करनी होंगी फिर से जो एक्शन पोटेंशियल में हुई थी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। पोलराइज स्टेट में मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ, दूसरा सिग्नल आया, उसको उसने रिसीव किया, जैसे ही सिग्नल को रिसीव किया वो डीपोलराइज्ड हो गया। डीपोलराइज्ड होने के बाद फिर वो सिग्नल आगे जाएगा तो वहाँ वाला रीपोलराइज हो जाएगा, फिर आगे वाला डीपोलराइज होगा, फिर ऐसे ही करते 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 सिग्नल और आगे जाएगा, फिर वही वो टर्मिनल तक पहुँचेगा। और टर्मिनल पर पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर अगेन से अगर गैप है तो वो, अगर जंक्शन है, अगर कनेक्सॉन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो जंक्शन बनाई हुई हैं, तो उस जंक्शन के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इनको इलेक्ट्रिकल केमिकल कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही चले जाएंगे और फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा विच प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ लोकल सर्किट करंट अवे फ्रॉम द सिनेप्सिस, जो क्या करेगा, एक लोकल सर्किट करंट के फॉर्म में जो चीज़ें हैं उनको आगे लेकर के चला जाएगा। ठीक, देखिए द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हैज थ्री एडवांटेज। क्या क्या इनके एडवांटेज हैं, इनके एडवांटेज हैं कि दे अलाउ फास्टर कम्युनिकेशन देन केमिकल सिनेप्सिस। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हैं वो केमिकल सिनेप्सिस के अकॉर्डिंग फास्टर कम्युनिकेशन करा रहे हैं, बहुत तेज उनका कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे इतना तेज कम्युनिकेशन हो रहा है, अब ये अपने से समझने वाली बात है कि आप ये समझो, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है,
वो सारी जो इवेंट है वो तो बच जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब उतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, इसमें कोई गैप, प्रॉपर गैप नहीं है, एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो फटाक से अपना चला जाएगा। अब आप सोचो कि आपको, आप नदी के इस किनारे हो, आपको नदी के उस किनारे जाना हुआ है, जाना है, और अगर उस नदी पे ब्रिज बना हुआ है तो कितने आराम से आप फटाक से जिस स्पीड से आप आ रहे हो उसी स्पीड से आप आओगे, ब्रिज पे चढ़ोगे, ब्रिज को क्रॉस करके आप उस पर पहुंच जाओगे। अब ब्रिज नहीं बना हुआ, आपको बोट से जाना है, तो आप पहले जाओगे, फिर अपनी बाइक को कहीं खड़ी करोगे, फिर आप बोट करोगे, बोट पे बैठोगे, तब तो फिर आप जाओगे। जब यहाँ पे दूसरा माध्यम अपनाना पड़ रहा है तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप जैसे हो वैसे ही करना है, वैसे ही जाना है, तो टाइम लगने का कोई सवाल नहीं है। तो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है, जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही आ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही दूसरे पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन तक चली जा रही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है, वो जल्दी हो जा रहा है। लेकिन अगर केमिकल वाले में देखा जाएगा तो उसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के पास जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर खुद एक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है, वो वेसाइकल जाकर के मैम्ब्रेन पर फ्यूज करेगा, फिर वो मैम्ब्रेन वहां से थोड़ी सी वो होगी, मतलब थोड़ी निकलेगी, तो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर में से सिग्नल जो है उसको रिसेप्टर रिसीव करेगा, वो एक लंबा इवेंट हो जाता है। दे कैन सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के एक्टिविटीज को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। दे मे अलाउ टू बी द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन कंट्रास्ट ऑफ केमिकल सिनेप्सिस, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को अलाउ करते हैं। ये सारी चीजें हो गई। ये देखिए, अब बात हम क्या कर रहे हैं, केमिकल सिनेप्सिस की। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, केमिकल सिनेप्सिस की बात करेंगे। अब देखिए केमिकल सिनेप्सिस में क्या हो रहा है, आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है। देखिए आपको इस फिगर में कुछ नंबरिंग दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा नंबर वन, ये आपको दिख रहा होगा नंबर टू, ये आपको दिख रहा है नंबर थ्री, यह आपको दिख रहा है नंबर फोर, और यह आपको दिख रहा है नंबर फाइव। मतलब अब जो हम बात करेंगे वो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये आपका पोस्टसिनैप्टिक, ये आपका इतना जो है ये प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये आपका यहाँ पे पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन हो गया, और इसके बीच में जो जगह प्रेजेंट होगा, वेट, देखिए यहाँ पे है, ये आपका हो गया प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन, ये आपका हो गया पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन, और इसके बीच में जो जगह बच रही है उसको हम कह रहे हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन जिससे सिग्नल आ रहा है, पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस खाली बच रहा है उसको हम कह रहे हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब हो क्या रहा है, नंबर वन पे चलते हैं। नंबर वन है क्या, नंबर वन एक नर्व इम्पल्स है, मतलब ये वही नर्व इम्पल्स है जो एक्शन पोटेंशियल से होता हुआ, जो एक्सॉन से होता हुआ आया है आपको एक्सॉन टर्मिनल तक। अब ये सिग्नल जैसे ही आता है, इस सिग्नल के आने की वजह से क्या होता है कि कैल्शियम आयन चैनल जो होता है, वो कैल्शियम आयन चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक। और जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स जो होता है ये ट्रिगर करता है सिनेप्टिक वेसाइकल्स को वो मेम्ब्रेन पे जाकर के फ्यूज करने के लिए। क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स आ रहा है, नर्व इम्पल्स के आने की वजह से जैसे वहां पे क्या हो रहा था, एक्शन पोटेंशियल में हमने देखा था कि नर्व इम्पल्स आ रहे थे, जैसे ही नर्व इम्पल्स आ रहे थे जो मैम्ब्रेन वहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयन चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, सोडियम आयन चैनल, जिससे सोडियम अंदर आने लग रहा था और डीपोलराइजेशन हो जा रहा था। वैसा ही यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, जैसे ही नर्व इम्पल्स आ रहा है जो कैल्शियम आयन चैनल है, ये कैल्शियम आयन चैनल जो है ये ओपन हो जा रहा है, इसके ओपन होते ही कैल्शियम आयन जो है वो आना स्टार्ट कर दे रहे हैं,
और ये इवेंट जैसे ही हो रहा है, ये इवेंट क्या कर रहा है, ये इवेंट ट्रिगर कर रहा है सिनेप्टिक वेसाइकल्स को, जो यहाँ पे वेसाइकल्स प्रेजेंट हैं, इन वेसाइकल्स को ट्रिगर कर रहा है कि तुम जाकर के मैम्ब्रेन से फ्यूज करो, जाकर के मैम्ब्रेन से फ्यूज करो। ये क्या कर रहे हैं, आ करके मैम्ब्रेन से फ्यूज कर रहे हैं। और जब ये मैम्ब्रेन से फ्यूज कर रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो रेड 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 आपको दिख रहा है, ये कुछ और नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर को इस कहाँ पर रिलीज कर रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दे रहा है। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होंगे, तो अब उसके बाद इसका काम है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। हमने कहा है इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होगा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो सारे स्पेसिफिक होते हैं। वो क्या करेंगे, स्पेसिफिक होते हैं और अपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को पहचानेंगे और उनको क्या करेंगे, रिसीव करना स्टार्ट कर देंगे। ये आप देखिए यहाँ पे सारे चैनल्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करना स्टार्ट करेंगे। और जो सिग्नल है वो किसमें है, वो सिग्नल इसी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर है। फिर जैसे ही वो इसको रिसीव करेंगे, वो क्या करेंगे, अपना सिग्नल को आगे ट्रांसफर कर देंगे, जो कि फिफ्थ इवेंट है। ये तो कहानी हो गई कि नर्व इम्पल्स आ रहा है, इसके आने की वजह से कैल्शियम आयन चैनल जो हो रहा है वो ओपन हो रहा है। उस वो ओपन होकर के क्या कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है वेसाइकल्स को कि जाओ जाकर के मैम्ब्रेन पे फ्यूज हो। और जब वेसाइकल्स आकर के मैम्ब्रेन पे फ्यूज हो रहे हैं, तो फ्यूज होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दे रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जा रहा है, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन प्रेजेंट है उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास रिसीवर्स प्रेजेंट हैं। उसके पास क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट हैं। वो रिसेप्टर साइट्स उनको बाइंड करेंगे और बाइंड करके अपने अंदर ले लिया, और सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे ये जो वेसाइकल्स आए, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किए, ये फटाक से क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके वापस चले जाते हैं। और वापस क्यों जाते हैं, क्योंकि इनको फिर से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिल करना है। ये वेसाइकल्स अब खाली हो गए, इनको फिर से फिल करना है, और कैल्शियम आयन जो होता है वो वापस से बंद हो जाता है। ये पूरी क्या हो गई, आपको आपकी प्रोसेस हो गई केमिकल ट्रांसमिशन की, केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि दो सिनेप्सेस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है, ये पूरा वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट सब में प्रेजेंट होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सिनेप्सिस न्यूरॉन्स कम टू क्लोज विद अ गैप ऑफ 200 एंगस्ट्रॉम। ये भी पास आते हैं, लेकिन इनके बीच में गैप होता है। हमने जो इलेक्ट्रिकल पढ़ा उसमें हमने कहा नो गैप, विदाउट एनी गैप दे कम क्लोज, वो क्लोज आ रहे हैं बिना किसी गैप के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें गैप है। कितना गैप है, 200 एंगस्ट्रॉम का गैप जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस गैप को हम क्या कह रहे हैं, इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक गैप। ठीक, इस गैप को हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक गैप। और एक बात और, जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो एंड वाला मेम्ब्रेन है वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव जोन। वो उसकी वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। आप देखिए, हमने कहा न्यूरॉन ब्रिंग इम्पोल्स इज कॉल्ड एज प्री। जो न्यूरॉन इम्पोल्स को लेकर के आ रहा है उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वाइल जबकि जो क्या कर रहा है, मैसेज को कैरी कर रहा है, आगे पहुंचाएगा, उसको हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा इज हाईली थिक एट द टर्मिनल विच इज कॉल्ड एज एक्टिव जोन। वो क्या होता है, टर्मिनल पे बहुत थिक होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव जोन। दिस एक्टिव जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ये एक्टिव जोन बन कैसे रहे, जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं उनकी एग्रीगेशन की वजह से ये एक्टिव जोन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्टिव जोन जो है वो बन जा रहे हैं आपके। The postsynaptic membranes contains receptor proteins which receive the neurotransmitter. मतलब जो पांच इवेंट में मैंने आपको कहानी बताई वो सिर्फ उतनी ही है। तो हमने क्या किया, हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, CNS, PNS के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया,
फिर हमने देखा कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, कैसे एक्सॉन से ट्रांसमिशन हो रहा है, एक्सॉन पोटेंशियल कैसे हो रहा है। फिर हमने सिनैप्टिक भी देख लिया, सिनैप्टिक ट्रांसमिशन भी देख लिया, उसमें जो दोनों टाइप्स थे इलेक्ट्रिकल केमिकल ये भी देख लिया। ये चैप्टर आपका अबाउट टू एंड है, अब हमको इसमें बस एक चीज़ और पढ़ना है, वो पढ़ना है न्यूरो ट्रांसमीटर के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।